से जूझने के लिए और उसको समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जैसी योजना इसमें प्रारंभ की गई है। 64,000 करोड़ रुपया उसमें रखे गए और कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो 2,23,846 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, 137% ज्यादा। अधोसंरचना विकास के लिए 5,50,000 करोड़ रुपया। उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन पूंजीगत व्यय से तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। एक जो नई कल्पना है इसमें, नया वित्तीय विकास संस्थान का गठन, इससे पूंजीगत योजनाओं के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था हो सकेगी। 7 नए टेक्सटाइल पार्क, आप जानते हैं कि रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर टेक्सटाइल के सेक्टर में सृजित होते हैं। इटारसी से विजयवाड़ा तक मालवाहक ट्रैक और राज्यों को भी सकल घरेलू उत्पाद का 4% तक उधार की सीमा बढ़ाई गई है। तो ये राज्य भी जब ज्यादा पैसा डालेंगे इंफ्रा में, तो यहां भी न केवल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी बल्कि आर्थिक गतिविधियों के तेज होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अकेले मध्य प्रदेश में इससे लगभग 13,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजी गत कार्य हम प्रारंभ कर सकेंगे। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ नए परिवारों को, बहनों को सम्मिलित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सीधे सीधे 8 लाख नए गैस कनेक्शन हमारी माता बहनों को मिलेंगे। फिर 75वीं सालगिरह पर आजादी के 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है, ये बुजुर्गों को वरदान होगा। हमारे जनजातीय क्षेत्रों में नए विद्यालय 750 प्रारंभ करना, एकलव्य स्कूल के रूप में या सैनिक स्कूल 100 नए खोलना, ये शिक्षा की दृष्टि से क्रांति लाएंगे। इन परिस्थितियों में इससे क्रांतिकारी बजट की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। इस बजट में मोदी जी की जिद, जुनून और जज्बा एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण का न केवल दिखाई देता है बल्कि इससे साकार होता है। मित्रों, आज भोपाल के विकास का रोड मैप भी तैयार करने का अभियान हमने प्रारंभ किया है। भोपाल देश का सुंदरतम शहर है, स्वच्छतम राजधानी है और भोपाल को केवल देश नहीं दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में हम सम्मिलित करना चाहते हैं। अनेकों काम जिनका लोकार्पण हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, उनके जिक्र मैं नहीं कर रहा। लोकार्पण के कामों में आप थे, लेकिन बड़े तालाब में वाटर वाल का भूमि पूजन, करौद मंडी के पास रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन, बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मैदा मिल रोड से गायत्री मंदिर होते हुए मानसरोवर कॉम्प्लेक्स तक फ्लाई ओवर का भूमि पूजन, इसी में लगभग 150 करोड़ रुपया इन कामों में खर्च होंगे। भानपुर खंती जहाँ कचरे की बदबू निकलने की हिम्मत टूट जाती थी कई बार, 32 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ रेमेडिएशन और रिक्लेम का काम वहाँ किया जा रहा है और वो अपने आप में जो भोपाल के लिए बदनुमा दाग था, भोपाल की पहचान बन जाएगा।
192 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण अभी चल रहा है। 200 करोड़ की सड़कें सीपीए के अंतर्गत बनाई जा रही है, 36 सड़कें लगभग। सार्वजनिक परिवहन को व्यवस्था ठीक करने के लिए लगभग 6 नई बसें भोपाल में चलेंगी, जिनमें से 300 सीएनजी से चलेंगी। अभी एक दीनदयाल रसोई है, बढ़ा के 4 की जाएंगी। गरीब विशेषकर फुटपाथ पे सोने वाले भाई और बहन बुजुर्ग, उनको दिक्कत ना हो इसलिए 15 रैन बसेरे बनाए जाएंगे और 150 उद्यान पार्क विकसित किए जाएंगे। 200 टन क्षमता का बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। सीएनजी का उपयोग शहर की बसों के परिवहन के लिए होगा। एनटीपीसी के माध्यम से 400 टन कचरे से चारकोल का निर्माण किया जाएगा। अभी मैंने सौंदर्यीकरण के लिए, बड़ा तालाब तो वैसे ही सुंदरता की प्रतिमूर्ति है, लेकिन वाटर स्क्रीन और फाउंटेन स्थापित किया जाएगा। साथ में जीरो वेस्ट क्रूज रेस्टोरेंट भी संचालित करने की कार्य योजना बना रहे हैं। हमारा टीटी नगर का दशहरा मैदान भोपाल के सार्वजनिक जीवन में अलग स्थान रखता है। 26 करोड़ रुपए की लागत से उसका विकास किया जाएगा। भोपाल को एडवेंचर टूरिज्म की डेस्टिनेशन हमको विकसित करना है, उसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। केवल एडवेंचर नहीं, टूरिज्म भी बढ़े। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को पर्यावरण के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए 67 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे। शहरी विकास के साथ साथ गरीबों को भी स्थान होगा, इसलिए 52,000 नए मकान गरीबों के लिए, जिनमें मल्टी भी होंगे, निर्मित किए जाएंगे, उसकी कार्य योजना बनाइए। लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत उसमें होगी। अयोध्या नगर बाईपास का निर्माण 326 करोड़ रुपए की लागत से होगा। कोलार रोड का भी 414 करोड़ रुपए की लागत से होगा। बैरागढ़ फ्लाईओवर जरूरी है, उसका भी हम प्लान बना रहे हैं। लगभग 264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और कोच फैक्ट्री ब्रिज, ये भी प्लान कर रहे हैं 105 करोड़ रुपए की लागत से। 2031 तक की आबादी को देखते हुए जल प्रदाय की व्यवस्था 2026 तक के पूरा करने की योजना बनाइए। 2026 तक पूरे भोपाल के क्षेत्र में सीवरेज के उपचार की पूरी व्यवस्था लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। 65,000 नई एलईडी स्ट्रीट लाइट, सभी नागरिकों को बसों में पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे, परी बाजार का पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत पुनर्निर्माण, विद्यानगर में इंटीग्रेटेड कोचिंग संस्थानों को लेकर, क्योंकि कोचिंग क्लासेज के कारण कई बार बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है और बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था हो सके, उसकी योजना भी बना रहे हैं। गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हमीदिया अस्पताल, उसका विकास हो रहा है। 1500 बेड का काम तेजी से चल रहा है, उसको इस साल हम पूरा कर लेंगे। और ग्लोबल स्किल पार्क का जो हम विकास कर रहे हैं, उससे लगभग हर साल 10,000 बच्चों को ट्रेंड करके उनका प्लेसमेंट हो, इसकी योजना बनाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को और सशक्त किया जाएगा। सॉरी स्मारक भोपाल की पहचान है, उसको नया स्वरूप देने की कार्य योजना बनाई गई है। मनुआ भान की टेकरी पर भारत माता परिसर और सॉरी स्मारक के पास हमारे क्रांति वीरों की स्मृतियों को जोड़ने वाले पार्क का भी विकास किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भोपाल की जो
पीडब्ल्यूडी सीपीएस सहित अलग अलग विभागों के पास सड़कें हैं, उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। अभी कुछ चीजें और प्लान में है, ये पहला प्रेजेंटेशन देख के कुछ चीजें फाइनल की है। कुल मिला के भोपाल दुनिया का सुंदरतम शहर होगा, जिसमें गरीबों को भी स्थान होगा और पर्यावरण जैसी चीजों का भी ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। उसमें बात करेंगे। धन्यवाद।